हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मेकओवर लेके आई हूँ, जिनका बहुत सारे स्पॉट्स थे उनके स्किन पे। आप देख सकते हो उनके जो फोरहेड का पोर्शन है उन पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स है, उनके गले में छोटे छोटे बहुत स्पॉट्स। इन्होंने बोला था कि उनके कुकिंग के टाइम उनके स्किन पर थोड़ा सा वो ऑयल छिट के आ गया था, तो इसके लिए उनके फेस पर इतना सारा स्पॉट्स आ गया है। तो उसके स्पॉट विद स्पॉट स्किन का आपको कैसे काम करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। उनके फेस को सबसे पहले हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके फेस ऑलरेडी ड्राई था क्योंकि वो ऑल टाइम कुकिंग करते रहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और उसके बाद देखिए कि मैंने उनके फुल फेस पे जहाँ जहाँ पे डार्क स्पॉट्स थे, बहुत सारे डार्क स्पॉट्स थे, कैमरा में कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट उनके सारे स्किन पे पूरा का पूरा जगह पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया है, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उनकी आँखों के नीचे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स थे एंड उनके गले में स्पेशली वहाँ पर तो स्पॉट्स ही स्पॉट्स थे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ऑरेंज करेक्टर देके मुझे करेक्शन करना था, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो उनके स्किन पे मेकअप बिल्कुल नहीं बैठता। तो ये देखिए इनके स्किन पे मैंने कैसे कैसे करके थोड़ा सा करेक्टिंग कर ली है। ऑलमोस्ट ऑल जगह पे मुझे करने की ज़रूरत पड़ रही थी, तो उन स्पेशली उन्होंने मुझे बोला था कि उनके गले का जो स्पॉट्स है उनको थोड़ा सा ढक देना है, तो मैं तो वो ऑलरेडी करती। सो ये बहुत ज़रूरत होता है कि आप उनके पूरे स्पॉट्स को मतलब ऑरेंज करेक्टर से पूरा सा ढक दो। उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली है, तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना पेशेंस लेके इनका मेकअप किया है। मुझे जल्दी था बहुत मेकअप करने के, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स थे, लेकिन इनका मेकअप मैंने स्पेशली एक थोड़ा सा टाइम लेके किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था उनके स्किन के लिए, क्योंकि अगर मैं उनके स्पॉट्स को नहीं ढकती तो उनका मेकअप जो है वो बहुत एकदम अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ भी कर लिया है, क्योंकि उनके जो स्पॉट्स थे काफ़ी गहरे थे, काफ़ी डार्क थे, तो उसके लिए मुझे ऑरेंज करेक्टर के साथ उनके स्किन पर थोड़ा सा ये जो ऑरेंज करेक्टर है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ भी करना पड़ा। न्यूट्रलाइज़ का मतलब होता है कि आप कोई भी शेड का, उनके स्किन का जो शेड है वो वाला कंसीलर लो और ऑरेंज करेक्टर के ऊपर डाल दो, और उनको भी अच्छी तरह से फाउंडेशन की तरह ब्लेंड करो। जहाँ जहाँ पे कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ पर भी आपको सेम कलर का कंसीलर देके न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लगाया है कंसीलर पूरे फेस पर, थोड़ा सा मैंने उल्टे तरीके से मेकअप किया है। फाउंडेशन मैंने यहाँ पे बहुत कम यूज़ किया है। उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रहा था, क्योंकि उनके आँखों के ऊपर भी ऊपर के पोर्शन भी बहुत मतलब डार्क था, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे कंसीलर लगाया है। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है जो कि एस्टेला ऑर्डर का, और कॉम्पैक्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से दिख देख के वहाँ पर ब्लेंड कर करके लगा रही थी। तो आप देख सकते हो कि उनके जो गले का जो स्पॉट्स है वो ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, और उनके फेस का जो भी मतलब डार्क स्पॉट्स थे वो भी गायब हो चुके हैं। तो ये तरीका होता है कि आप कोई भी स्किन के अगर कोई स्पॉटिंग का प्रॉब्लम है तो आप ऐसा टेक्निक का यूज़ करके उनको न्यूट कर सकते हो, या फिर वो उनको हटा सकते हो। तो ये है उनका फुल फेस तैयार करने का तरीका। एक नया वाला मेकअप था मेरे लिए, तो ऐसे स्पॉट्स मतलब कोई भी क्लाइंट को बहुत जल्दी नहीं मिलता है, बहुत रेयर मिलता है ऐसे क्लाइंट्स, तो उनको आपको देख देख के थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ता है। तो देखिए मैंने उनके फेस पे थोड़ा सा कॉन्टोरिंग भी कर लिया है, और वो हालांकि वो एज थोड़ा सा अप टू 40 थे, तो थोड़ा सा उनको देखकर भी मेकअप करना था मुझे, क्योंकि उनको लाइट मेकअप चाहिए था, तो डबल चिन का जो प्रॉब्लम था वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर दी है, और उनके नाक में भी थोड़ा सा मैंने कॉन्टोरिंग कर दी थी, और उसके बाद मैंने ब्लशिंग कर दी है। उन वो बनारसी साड़ी पहनी थी तो मैंने पिंक ब्लश लगा ली है, और उनको मैंने बोला था कि आप ज़रा सा हंस दो ज़्यादा तो मुझे अच्छा लगेगा ब्लशिंग करने में, तो बहुत वो हंस रही थी और उनको थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उनके एज के लोग ज़्यादातर मेकअप नहीं करते हैं तो बहुत शर्माते हैं। तो अभी मैंने उनके फेस के हिसाब से पिंक शेड लिया है आई शेडो करने के लिए। आप देख सकते हो क्लोजली कि उनका स्किन कितना ड्राई है, इतना मेकअप करने के ऊपर भी उनका स्किन थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। तो मैंने बोला था क्योंकि ड्राई स्किन पे अगर आप पार्टी मेकअप करते हो तो उनको ज़्यादा हाइड्रेशन करना ज़रूरत है। ऐसे ब्राइड्स भी काफ़ी सारे होते हैं जिनके फेस पर हाइड्रेशन का प्रॉब्लम होते हैं, या फिर वो उसके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं।
तो देखिए मैंने आई लुक बहुत ही सिंपल रखा है, सिर्फ और सिर्फ पिंक एंड गोल्डन देके मैंने किया है। तो उसके बाद उनके जो आईब्रोज है वो प्लक थी और उनका शेप अच्छा था। एक्चुअली इनके फैमिली में सभी लोगों का जो आईब्रोज है ना वो बहुत ही अच्छे थे, तो मुझे करने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी। तो ऐसे बहुत कम मिलते हैं। तो आईब्रोज भी ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद मैंने उनके ऊपर के जो पोर्शन में वहाँ पे आईलाइनर भी लगा दिया है। तो हल्का सा आई मेकअप करना था तो जस्ट ओनली ऊपर के पोर्शन पे थोड़ा सा आईलाइनर और नीचे के पोर्शन पे थोड़ा सा काजल, ऐसे करके ही मैं सारे लोगों का मेकअप कर रही थी। तो देखिए ये स्टेप भी मैंने कंप्लीट कर ली है, थोड़ा सा आईलाइनर बस और कुछ नहीं। तो लेकिन इनका जो बेस मेकअप है ये करने में मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा क्योंकि इनकी स्किन टाइप बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो उसके बाद मैंने हाइलाइटर भी लगा ली है। तो आप देख रहे हो कि उनके आँखों के नीचे थोड़ा सा लूज पाउडर है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद मतलब एकदम कमा दूँगी, ब्रशिंग कर दूँगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये वाला हाइलाइटर मैंने लगा दी है उनके फुल फेस पे और उनको लास्ट पे मैंने उनके सारे के मैचिंग करके लिपस्टिक्स भी लगा दी है। और लिपस्टिक मैंने पिंक कलर का ही यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो ये वाला लिपस्टिक मैंने यूज़ किया है जो कि है फॉरएवर 52 का। तो ज़्यादातर लिपस्टिक शेड मुझे उसी, और इनका जो आईलैश है वो लग चुकी है, वो लग गया था उनका जो ग्लू था। और ये रेड वाला बिंदी मैंने उनको लगा दिया है। एंड उसके बाद हेयर स्टाइल कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपका, ये है उनका फुल लुक, आई मेकअप कैसा लगा। और आपका ये फुल लुक इनका कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इनका स्पॉटिंग का प्रॉब्लम था वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।